नेशनल शारीरिक दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल में भिड़ेंगी जम्मू और मुंबई की टीमें। उदयपुर में पिछले 9 दिनों से चल रहे थर्ड नेशनल शारीरिक दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का रविवार को फील्ड क्लब में फाइनल मैच खेला जाएगा। इसमें जम्मू और मुंबई की टीमें आपस में भिड़ेंगी। खास बात यह है कि यह मैच काफी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमें चैंपियनशिप में अब तक एक भी मैच नहीं हारी हैं। नारायण सेवा संस्थान एवं DCCI की ओर से आयोजित इस चैंपियनशिप में आज शनिवार को सेमीफाइनल मैच खेले गए। नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि पहला सेमीफाइनल मैच जम्मू और महाराष्ट्र के बीच हुआ। टॉस जीतकर जम्मू ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.2 ओवर में 166 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी महाराष्ट्र की खराब शुरुआत हुई। 10.1 ओवर में आधी टीम 47 रन पर ही पवेलियन लौट गई। 91 रन की जीत के साथ जम्मू फाइनल में पहुंच गया। मैन ऑफ द मैच जफर भट रहे। वहीं दूसरा सेमीफाइनल विदर्भ और मुंबई के बीच खेला गया, जिसमें विदर्भ ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, जिसे मुंबई ने गलत साबित करते हुए अर्धशतकीय ओपनिंग की। 11.3 ओवर में 64-81 रन बनाने में 4 विकेट खो दिए। इसके बावजूद मुंबई ने संभलते हुए 7 विकेटों पर 149 रन का सम्मानजनक टारगेट बनाया। लक्ष्य का पीछा करती हुई विदर्भ की धीमी शुरुआत हुई। 101 रन बनाने में 7 बल्लेबाज 15 ओवर में ही आउट हो गए। 8 नंबर पर बैटिंग करने आए इमरान खान 19 बॉल पर 35 रन बनाकर भी टीम को जिता नहीं सके। यह मुकाबला मुंबई ने 2 रन से जीत लिया। मुंबई के विक्रांत केनी को ऑलराउंडर 43 रन बनाने और 2 विकेट लेने के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया।